सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है शौर्यास एक्वेटिक वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त शौर्य और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एंजल फिश की केयर के बारे में, यानी एंजल फिश को कैसे रखना है। ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं जो कि नॉर्मली नहीं लोग बोलते हैं या फिर रिकमेंड नहीं करते हैं, तो वो मेरा ओपिनियन है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें बताने वाला हूँ। नमक तो है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंजल फिश साउथ अमेरिका के स्लो मूविंग रिवर्स और लेक्स और स्ट्रीम्स में मिलती है, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है ये स्लो मूविंग वाटर को ही रिग्रेट करता है, अलाउ करता है इनको रहने के लिए। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। इनका बॉडी जो है आपको थोड़ा अलग लगेगा नॉर्मल फिशेस से। जहां नॉर्मल फिशेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाती हैं, ये वर्टिकल ग्रोथ दिखाती हैं। इसका मतलब है जहां फिशेस लंबी होती हैं, ये उल्टा ऊपर यानी ऊंची हो जाती हैं, जो कि एक अलग चीज है नॉर्मल फिशेस से। ये चीज सिर्फ डिस्कस और इनमें देखने को मिलता है फ्रेश वाटर फिशेस में, जो इन्हें यूनिक बनाता है। ये इंडियन एक्वेरियम शॉप्स में बहुत कॉमन है, जो आप लोगों को इनसे ज्यादा फेमिलियर बनाता है। मुश्किल से 40 या 80 रुपए की जोड़ी आ जाती है ये। इसके लिए जो टैंक साइज हम रिकमेंड करेंगे, अगर आप जैसे ये सेटअप है वैसा रखना चाहते हैं, तो ये मेरा जो टैंक है ये है 2 फीट लंबा, 1.6 फीट ऊंचा और 1 फीट चौड़ा इन इसमें। लेकिन ये इनके लाइफ टाइम के लिए परफेक्ट नहीं है। एंजल फिश ऊंची भी होती हैं और ये थोड़ी एग्रेसिव भी होती हैं। और जब ये ब्रीडिंग पे आती हैं तो ये दो पेयर बना लेंगे, एक पेयर बना लेंगे और बाकी सबको पीट के कोने में कर देंगे। ठीक है, एग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन खोजा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये टैंक अभी के लिए परफेक्ट है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है, एक एडल्ट साइज पर चली जाएगी, तो ये टैंक मुश्किल से 2 पेयर को अपने अंदर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब एग्रेशन पे आते हैं। एंजल फिश एक सेमी एग्रेसिव फिश है। ये चिगलेट वैरायटी से थे, सिगलेट और चिगलेट दोनों कहते हैं। आज तक मुझे इसका टंग का प्रोनाउंसिएशन नहीं आया है, तो हम इसको सिगलेट ही बोलेंगे। ये सिगलेट वैरायटी से आती है। तो सिगलेट वैरायटी जैसा कि आपको पता है एग्रेसिव होती है, ये भी एग्रेसिव है लेकिन सेमी एग्रेसिव। इसके एग्रेशन को रोकने के लिए कुछ चीजें हमने ट्राई की और हम कुछ कंक्लूजन पे आए। अब देखिए, हमने हाइडिंग प्लेसेस ऐड किए। हाइडिंग प्लेसेस ऐड करने से हमने देखा कि ये टेरिटरीज बनाने लग गई और जो उस टेरिटरी को क्रॉस करता था उसको मारती थी। तो हमने क्या किया, अपने टैंक में सारा का सारा हाइडिंग प्लेस हटा दिया और इसको ओवरक्राउड कर दिया। ठीक है, जहां इसके अंदर 6 पीस होनी चाहिए थी हमने 7 डाल दी, 2 मॉली डाल दी और ऐसे करके ओवर स्टॉक करके रख दिया, जिसके कारण एक फिश के ऊपर एग्रेशन ज्यादा नहीं दिखा सकती हैं ये लोग। और मतलब एग्रेशन एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है और ज्यादा डैमेज किसी भी फिश को नहीं हो पाता है। ये सेम चीज सिगरेट के साथ भी हमने किया था। जब हम सिगरेट रखते थे, जब देखा कि कुछ सिगरेट स्पाइक करती हैं तो एक फिश के ऊपर लग जाती है और उन्हें मार देती है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया था, बहुत सारे सिगरेट्स को उस टैंक में डाल दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, वो जो एग्रेशन था वो डिफ्यूज हो गया अंदर ही अंदर में। सेम चीज हम आपको इसमें भी रिकमेंड करेंगे। एंजल फिश थोड़ा सा गर्म पानी मांगती है, गर्म इंदर से सब खोला हुआ नहीं, नॉर्मल बट थोड़ा सा गर्म, लाइक 28 से 30। अगर आप इन्हें प्लांटेड टैंक पे रखेंगे हम आपको रिकमेंड करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा मत होने दीजिएगा, नहीं तो आपके प्लांट्स गल जाएंगे। इनके टैंक मेट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं और वो जल्दी ही बनाने की कोशिश करूंगा। इनके फिल्ट्रेशन पे आते हैं। एंजल फिश बहुत ज्यादा गंध नहीं मचाती है, इन्हें स्लो मूविंग वाटर पसंद है, तो अगर आप चाहें तो इनके टैंक के अंदर आप स्पंज फिल्टर यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में पहले मैं वही यूज कर रहा था, लेकिन जो स्पंज है वो पता नहीं वो खराब हो गया, तो उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा था, तो इसके अंदर हमने पावर फिल्टर लगाया, लेकिन जो फ्लो कम देता हो और वर्क ज्यादा करता हो, यानी सक्शन पावर जिसका ज्यादा हो वो यूज कर रहे हैं हम। हेल्पा कंपनी का है और फ्रेंकली टेलिंग यू 6 साल से ज्यादा से यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा महंगा पड़ा
आज तक इसके अंदर कोई खराबी नहीं, बेस्ट कंपनी है, स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, अगर हो सकती है कर दो यार स्पॉन्सर, बहुत अच्छा फिल्टर है तुम्हारा दोस्त, तो ये फिल्टर अभी इसके अंदर लगाया हुआ हूँ, स्लो फ्लो है, अच्छा है, और इसको ऊपर में मैंने आप देख रहे होंगे शिमरिंग हो रहा होगा, वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि वो फिल्टर उसका मुंह ऊपर की ओर है तो पानी मूव कर रहा है। इसके ऊपर हमने एक्चुअल में पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बबलिंग से नहीं आता है, वो उल्टा जो सरफेस एजिटेशन होता है उससे आता है, इसके ऊपर करके लगे कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे पानी के अंदर। सो इसके साथ अब हम लोग आते हैं एंजल फिश को खाने में क्या दें। एंजल फिश ऐसा कोई पिकी ईटर नहीं है, लेकिन इनका मुंह छोटा होता है, तो ऐसा कोई भी खाना जो इनके मुंह के अंदर अट जाए ये खाएंगे। जो अभी हम दे रहे हैं वो ऑप्टिमम का 3-in-1 ऑप्टिमम का वो फूड आता है जो गोल्ड फिश वाला, वो दे रहे हैं। फिर ऑप्टिमम का माइक्रो पैलेट्स, सेरा का फ्लेक्स, फिर स्पिरुलिना पाउडर अदर फूड के साथ मिक्स करके, फिर क्विक रेड जो आता है पैरट फिश का, वो वाला ट्रायो का, उसको क्रश करके इन्हें दे रहे हैं। एंड कभी कभी वीक में एक दो बार हम इन्हें एग को का जो वाइट होता है वो अपनी बहन से कह के पीसेस में कटवा के दे देते हैं, एकदम छोटा छोटा जो ये खा सके, वो येलो पार्ट नॉट द वाइट वन, ये वाइट वाली नहीं खा पाएंगे, तो अभी ये इस कंडीशन में। इसके लिए जो वाटर पीएच लेवल है वो 6.5 और 7 के बीच में होना चाहिए, यानी न्यूट्रल, जो कि सारे फिशेस को पसंद आता है वही इनको भी पसंद है। अगर आप इनकी ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हम आपको एक चीज रिकमेंड करेंगे, आप 8-10 एंजल फिश लाइए अपने टैंक के अंदर डाल दीजिए, 3-4 महीने के अंदर ये एक पेयर फॉर्म करेगी और बाकी फिशेस से लड़के वो पुणे में उनको कर देगा और ये खुद आपको अलग दिख जाएगा वो पेयर, ठीक है। एंजल फिश का जेंडर पता करना इजी नहीं है, बहुत हार्ड होता है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर कोई एक्सपीरियंस फिश हॉबीस्ट भी है जो कि बहुत सालों से रख रहा है, उनको भी नहीं पता चलेगा इसका जेंडर, इसलिए जब ये पेयर बनाती हैं तभी इनका जेंडर पता किया जा सकता है। उस समय ये पेयर अप कर जाती हैं और बाकी फिशेस से लड़ाई करके उन्हें पीटती हैं, जब वो हो तो बाकी फिशेस को हटा के आप अंदर एक सिरामिक ब्रिक या फिर कुछ ऐड कर दीजिए जिसके ऊपर ये एग ले कर सके। उस टर्म के ड्यूरिंग इनका टेम्परेचर 28-29 रखें वाटर का, और फूड में ब्लड वॉर्म दे सकते हैं, टेट्रा बिट्स दे सकते हैं जो कि इनके ब्रीडिंग बिहेवियर को इंक्रीज करे अगर इनकी ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं। एंजल्स ब्रीड करना बहुत इजी है बिलीव कीजिए, बशर्ते आप उन्हें नॉर्मली रख पाते हैं। तो आज के डेट में जो एंजल फिश है वो जो हमने एक्वेरियम शॉप्स में मिलती है वो इन्हीं ब्रीडर्स के थ्रू मिलती है, जो लोकल ब्रीडर्स होते हैं उनकी वाली। अब इनके आते हैं हम लोग कि अगर आप दुकान पर जाते हैं इन्हें खरीदने के लिए तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। जब आप एक एंजल फिश को खरीदने जाते हैं तो आपको 2-3 चीज देखना है, पर वर कटे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो पर बड़ी चीज नहीं है। आपको देखना है कि पहले सेम स्पीशीज की है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल एंजल ले रहे हैं और उसके साथ अगर आपने एक लॉन्ग फिन एंजल रख दी तो जो शॉर्ट वाली है, जो नॉर्मल वाली है, वो उसको मारेंगी, उसको मार के उसके पंखों को फाड़ वाड़ देंगी और मार देंगी उसे, इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा आपको एंजल की आंखों पे देखना है, अगर आंख धुंधली है या फिर उस पर कुछ फूटी उटी है तो वो मत लीजिए, वो मर जाएगी लॉन्ग टर्म में आपके साथ। फिर आपको ध्यान देना है उसकी बॉडी पे, एंजल फिश का अगर आपको बॉडी को जज करना है, अगर वो ये 2 इंच की है उसकी बॉडी का, पर को मत देखिएगा, बीच वाला जो बॉडी ये सिक्के वाला है, वो एटलीस्ट आपकी उंगली की, इस वाली उंगली की इतनी मोटाई पे होना चाहिए, इतनी आधे मोटाई का होना चाहिए तभी आप उसको लें। अगर उसका पेट बीच से मुड़ा हुआ है, ऐसा अंदर की ओर दबा हुआ है, तो उस फिश को मत लीजिए, वो किसी टाइप की पैरासाइट से गुजर रही है। एंजल का पेट दबा हुआ नहीं रहता, उभरा हुआ रहता है, अगर वो दबा हुआ है तो इसका मतलब वो किसी टाइप के पैरासाइट से सफर कर रही है और उससे बच के रहे। ये 3 चीज आपको देखना है एंजल को लेने से पहले, क्योंकि ये 3-4 चीजें जो है यही जज करती हैं कि आपके पास एंजल रह भी पाएगी या नहीं। बहुत केसेस में एक्वेरियम शॉप्स वाले आपको रैंडमली दे देते हैं और बीमार आ जाती है एंजल और फिर वो मर जाती है, फिर हमें लगता है कि हमारी गलती के कारण मर गई, और हर बार ये केस नहीं होता है।
एंजल के साथ बहुत सारे फिशेस को भी रख सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी और उसमें मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए कीप ऑन टैंकिंग एक्वा। मिलते हैं अगली वीडियो में।